بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله आज 26वां रोज़ा है माशाल्लाह 25वीं रात ताक रात थी गुजर गई और यकीनन मुमकिन तौर पर शब कदर भी हो सकती है और 25वीं शब के आपने ख़ास आमाल भी किए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सब के नेक आमाल को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। 26वें रोज़े के क्या ख़ास आमाल और वज़ाइफ़ हैं उनका तज़किरा मैं इंशाअल्लाह करूँगा और प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक उससे पहले पेश खिदमत है। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चार चीज़ें ऐसी हैं वो शख्स जिसको मिल गई उसको दुनिया व आखिरत की भलाई मिल गई। नंबर एक, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान और फरमाया कि सब्र करने वाला बदन और फरमाया और जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छी नेक सीरत बीवी अता फरमा दी और इसी तरीके से बीवी को एक अच्छा शोहर अता कर दिया तो सुबहानअल्लाह जो दोनों एक दूसरे के हर चीज़ में किसी भी चीज़ में ख़यानत नहीं करते तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया और आखिरत की तमाम भलाई दे दी। नंबर एक, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, सब्र करने वाला बदन और फरमाया कि दुनिया में अच्छी बीवी का मिल जाना और अच्छे शोहर का मिल जाना जो हर लिहाज से एक दूसरे के लिए अमीन हो, ये यकीनन बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिसको ये नियामतें मिली हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिस नियामत की कमी है अल्लाह से तलब करें। ये महीना है तलब करने वाला और सुबहानअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तलब करने वाला बनाए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह से मांगने वाले को पसंद फरमाते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहरहाल बाद नमाज फजर का क्या मामूल है, बुजुर्गान दीन के मामूलात में तो बहुत ज़्यादा मामूलात हैं इस आखिरी अशरे के अंदर, लेकिन नाज़रीन इकराम यकीनन आपने इस आखिरी अशरे में पूरे ख़त्म कुरान भी करना है, आखिरी अशरे में आपके बहुत से और मुश्तरक आमाल भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ख़ास तौर पर ये आमाल आपने करने हैं और ज़्यादा वक़्त आपने कोशिश करनी है दुआओं में सर्व करना है। और ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने जिक्र किया था, फिर दोबारा मैं जिक्र कर देता हूँ कि ताखरातों में ताखरातें कैसे गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह वो आमाल भी आपके साथ सिलसिला चल रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ताखरातों में और ताक दिन में ये जो दिन और रात हैं इसके अंदर अगर आप एहतिकाफ़ कर लें तो ये नफली एहतिकाफ़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उसके एहतिकाफ़ का तरीका भी मैंने बताया था, कोई मुश्किल नहीं है कि जगह का तायुन कभी ज़रूरी नहीं है और वक्त का तायुन भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि जहन में रखें तो यकसुई जिसमें अमल में नसीब हो जाए, सारे काम काज से फराकत हासिल कर लें, दो घंटे के लिए मुसल्ले पे बैठ जाए और दो घंटे की एहतिकाफ़ की नीयत कर लें, माशाल्लाह ये एहतिकाफ़ है आपका। अब फजर की नमाज़ के बाद नाज़रीन इकराम जो आज का अमल है, ख़ास तौर पर जिस्मानी तौर पर किसी भी लिहाज से कमज़ोरी होगी, दिमाग की कमज़ोरी है, जिस्म की कमज़ोरी है, अंदरूनी तौर पर ऑर्गन्स जितने हैं उसकी कमज़ोरी है, आज़ा की कमज़ोरी है, ये अल्लाह वाले आखिरन के अंदर ताकत कहाँ से आती थी कि ये इतनी इबादतें करते थे, खाते भी कम थे, लेकिन इतनी रियाजतें करने के बावजूद भी चाको चौबंद रहते थे, तो ये आमाल करते थे। तो 26वें रोज़ में रोज़े के जो ख़ास आमाल है ये आपके जिस्मानी तौर पर तमाम बीमारियों से शिफायाबी के लिए बेहतरीन आमल है इंशाल्लाह। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 79, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 79, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फफहमनाहा सुलेमान वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा वसख्खरना मअ दाऊदल जिबाल युसब्बिहना वत्तैर वकुन्ना फाइलीन। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसे आपने 33 टाइम पढ़ना है। दोबारा पढ़ लेता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फफहमनाहा सुलेमान वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा वसख्खरना मअ दाऊदल जिबाल युसब्बिहना वत्तैर वकुन्ना फाइलीन। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 79 अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 33 टाइम बाद नमाज फजर का यह मामूल है।
और ये जहन में रखिएगा, सूरत निकलने से पहले पहले आपने सूरत अल-क़द्र की तिलावत कसरत से करनी है, क्योंकि ये 25वीं शब चल रही है, तो सुबह तुलू आफ्ताब तक जो है, सॉरी 25वीं शब तो ख़त्म हो गई है, यानी 25वीं शब तो पूरी चल रही है, यानी कि सॉरी, तो अभी तुलू आफ्ताब तक है, यह हत्ता मतलाउल फजर, तुलू फजर तक यह अमल है। अब तुलू फजर से पहले पहले आपने सूरत अल-क़द्र की कसरत से तिलावत करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके बस तस्बीहात में सूरत अल-क़द्र की तिलावत करें, सूरत अल-क़द्र की तिलावत करें, यह बहुत बहुत खूबसूरत अमल है बुजुर्गान दीन के मामूलात में से। इसी तरीके से आपने बाद नमाज ज़ोहर के अमल करना है, बाद नमाज ज़ोहर सूरत अर-रहमान की आयत नंबर 2 और 3, सूरत अर-रहमान की आयत नंबर 2 और 3, अच्छा आयत नंबर 1 भी शामिल कर सकते हैं, आयत नंबर 1, 2 और 3, अर-रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, बस अर-रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये अमल आपने 11 बार पढ़ना है, यानी इन तीनों आयात को मिलाकर 11 बार पढ़ना है, यानी कि एक ही दफ़ा पढ़ेंगे तो यानी कि सब जो है एक ही दफ़ा शुमार होंगे, अर-रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, एक दफ़ा होंगे। इसी तरीके से आपने 11 बार पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बाद नमाज ज़ोहर। अच्छा इसके बारे में बुजुर्गान दीन के बारे में मामूलात में लिखा है कि 41 टाइम भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा जो है सुभान अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के साए में आना चाहते हैं। अब इसके साथ साथ बाद नमाज असर क्या है, बाद नमाज असर सूरत अल-क़यामा आयत नंबर 17 और 18, सूरत अल-क़यामा आयत नंबर 17 और 18, بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أول آخر دروس الكسات سورة القيامة يبارة 29 كان دره آخر من إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أول آخر دروس الكسات آبنا سورة القيامة كي اس آيات قل 21 بار بارنا بعد نماز عصر इंशाअल्लाह बड़ी बरकत नसीब होगी। और इसी तरीके से आपने बाद नमाज मगरिब, वो हमारा मामूल है पूरे अशर में वही चलेगा कि बाद नमाज मगरिब आपने सूरतुल ये बाद नमाज मगरिब अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कितनी मरतबा, यानी कि 73 टाइम, और अल्लाहुम्मा अजिरना 11 बार क्यों मैंने जिक्र किया था कि आपने 73 टाइम अपनी नीयत करके या अल्लाह मुझे जहन्नम से आज़ादी अता फरमा, मुझे जहन्नम से निजात अता फरमा, और इसी तरीके से आपने अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार आपने अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपने आस पड़ोस की, अपने रिश्तेदारों की, अपने सब की नियत करनी है, क्योंकि ये जमा ज़मीर है, तो सब की नियत करके इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत नसीब फरमाएंगे। इसी तरीके से आपने बाद नमाज ईशा सूरतुल बुरूज आयत नंबर 21, सूरतुल बुरूज आयत नंबर 21, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज, بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ, اول اخر دروس شریف کے ساتھ آپ نے اس آیہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے, باقی جو معمولات یعنی کہ تاخرات کیسے گزارے وہاں بھی آپ کو کچھ اعمال بتلائے گئے ہیں, کیونکہ بعد افطاری کے بعد جو ہے وہ شب شروع ہو جاتی ہے, تو انشاءاللہ عزیز خاص طور پر اس رات کے اندر تاخرات جو ابھی 27 شب شروع ہو جائے گی, تو 27 شب کے خاص اعمال اور وظائف کے اندر میں نے بتلایا تھا, वो भी इंशाल्लाह मैं दोबारा जिक्र करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुभान अल्लाह 27वीं शब की बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह करीम हम सबको शब कदर नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह 27वें रोज़े के क्या खास आमाल और वज़ाइफ़ हैं इंशाअल्लाह उनका तज़किरा मैं अगली नशिस्त में करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।